राधे राधे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने आपको कान्हा जी के दर्शन करवाए हैं और आज हम आए हैं अपनी फ्रेंड के घर, जिसने अपना नया मकान लिया था। उसके मकान का शॉप था, उसका उद्घाटन था, हम उसी टाइम में आ रखे। तो हम सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, पर मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो शूट किया गया बस वो आपके साथ शेयर किया गया है। तो ऐसा घर है, नीचे उनका काफ़ी सुंदर बनाया है और मैं भी फर्स्ट टाइम गई हूँ, मतलब नए घर में, तो उसके कि पहली बार उन्होंने गए, आज एंट्री उनकी पहली बार हुई है। तो सभी लोग काफ़ी खुश हैं और होता भी है कि नया घर सबको, जितनी भी मनोकामना, जिसका नया नया घर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है उसको घर जरूर मिले, भगवान से बस मैं ही यही प्रार्थना करूँगी। उसके हस्बैंड बैठे हुए हैं और यहाँ मेरी फ्रेंड है शशि, जिसके संग छोटे से बचपन बीता था मेरा। और यहाँ हम सब लोग देखे बैठे, पंडित जी भी अपने मंत्र पढ़ने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो आपके साथ शेयर करते। तो ये है, देखिए यहाँ से इनका एंट्रेंस है और ये जा रहे हैं हम ऊपर, और थोड़ा सा इतना हो सका सूट कराया मैंने। यहाँ देखिए इनका किचन है सामने, और ये रूम है, उसके बाद में बाथरूम है, और ये पूरा हॉल है, उसके बाद बालकनी है। तो बहुत ही सुंदर बनाया है, और जिस जगह पे पीछे इनके बहुत ज़्यादा खुली खुली जगह थी, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ हम सभी आ रहे थे, आपने जगह सभी लोग आ रखे थे। तो बताइएगा जरूर आपको ब्लॉग मेरे कैसे लगते हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं ब्लॉग डेली तो नहीं डाल पा रही। उसके बाद देखिए मुसीबत का पहाड़ फिर टूट पड़ा कि बेटे को लेकर जाना पड़ा है हॉस्पिटल, और उसके बाद इतना दिमाग था, इतना ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा था कि कैसी ज़िंदगी चल रही है, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि बेटे को लेके वहाँ पर भी नहीं गई थी। तो यहाँ बेटा आगे बैठा हुआ है, तो हम रात को अचानक 2 बजे गए थे डॉक्टर के पास, जिसकी तबीयत अभी सही है, कई बार बहुत ज़्यादा सही हो जाती है, कई बार बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो अभी देखते हैं, ये 15 दिन पहले का ब्लॉग है, तो अभी देखिए इतना टाइम हो रहा है। तो पीहू यहाँ पर दमी सो रहा है, और उसके बाद मैं चल रही हूँ, मैंने कहा चलो अभी सो रहे हैं बच्चे, तो मैं पहले अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने शरीर के लिए। अगर हम अपनी एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि शरीर है अपना, तो हम अगर अपने आप को सबसे पहले, क्योंकि बेटे को भी देखना है, तो अपने शरीर को ही मुझे फिट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और उसके बाद मैं कर रही हूँ किचन, पता नहा धो के मैं आ गई, तो मैं थोड़े से मैथी ये सबके परांठे बना लेती हूँ, परांठों का आटा मार लिया है। उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं रात को, हम दोपहर में लेटे हुए पीहू और मैं, ये सब सो रहे बाहर लेटे हैं दोनों, और यहाँ पीहू मेरे बालों को छेड़ रही है। तो इतना ही ब्लॉग था।